भाई मुझे पता है आप सब मेरे वीडियो का इंतजार करते होगे, क्योंकि मैं जो चीज भी इवेंट के बारे में बताता हूँ वे 100% रियल बताता हूँ। देखो इसमें आपको कितना चीज सीखने को मिलेगा। पहले देखो ये पूरा मिशन आपको हम पूरा बता देंगे कैसे कंप्लीट करना है, कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन। अनलिमिटेड इसमें पॉइंट आप लोग कैसे कलेक्ट कर पाओगे, मिशन को कैसे कर पाओगे, क्या रूल होगा, कैसे क्या करना है, ए टू जेड प्रोसेस। बस मेरे भाई वीडियो को होता है ना, बिना बकवासी के साथ स्टार्ट किया हूं, बिना बकवासी के साथ आपको स्किप भी नहीं करना है, मतलब स्किप नहीं करना है, जो आप लोग डाब डाब के थोड़ा स्किप कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। जैसे मैंने इस इवेंट के बारे में समझाया एक वीडियो में, इसके अंदर क्या होगा ये भी मेरे पास है, लेकिन भाई मैं थोड़ा अभी सोच रहा हूं इतना जल्दी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 19 तारीख से पूरी तरह एक्सप्लेन होगा, तो इस वीडियो को जाकर देख लेना जिसने नहीं देखा है, मेरे पता आप लोग ने देख लिया होगा। लेकिन मेरे भाई लाइट एंड डार्क कैसे इवेंट को आप सब कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आप लोग अच्छे से देखो, जिसमें आपको पॉइंट कलेक्ट करना है, अगर आप लोग 520 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हो ना, तो भाई ये आपको बंडल्स फ्री में मिल जाएंगे। इसको कौन सा बंडल्स बोलते हैं, फिलहाल के लिए यहां पर देख पा रहे हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा कॉमेंट में बताओ, मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये एक्चुअल में आपको बंडल किस प्रकार का देखने को मिलता है कॉमेंट जरूर करना है, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको ये बंडल कैसे मिलेगा, बांग्लादेश सर्वर में तो आपको पता है फीमेल बंडल मिलने वाला है, लेकिन मेरे भाई अब देखो सेकेंड नंबर में आपको ये मतलब एक तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर 250 यहाँ पर से आप टार लेने के लिए करना पड़ेगा, फिर 150 मतलब आपको यहाँ पे वॉचर 50 मतलब ये पॉइंट आप लोग कलेक्ट कैसे कर पाओगे, तो ए टू जेड आपको समझो। नॉर्मली आप लोग यहाँ पर से लाइट एंड डार्क ये इवेंट है, न्यू इवेंट कैसे कंप्लीट कर सकते हो, दिवाली का न्यू इवेंट कैसे कंप्लीट करें लाइट एंड डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से प्रोसेस से यहाँ पर समझो, सबसे पहले ये इवेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा सेम, तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते तो टोटल ये 20 दिन के लिए आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर अगर हम तारीख की बात करूं, अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स पर यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच मतलब ये इवेंट चलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, दब देखो, पहला आपको ये चीज समझ में आ गया कि रिवार्ड्स यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको लास्ट में ये बंडल मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसमें आपको 50 पॉइंट, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, 550 पॉइंट को पुराना है। अब ये चीज क्या है चलो मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको डेली रिवार्ड्स भी मिलता है ये भी समझाएंगे, ठीक है। पहले यहां पर इसमें टोकन वोकन कलेक्ट नहीं करना है, पॉइंट कलेक्ट करना है, पॉइंट कैसे मिलेगा पहले ये चीज बताएंगे। डेली आपको देखो कितना, अब मैं आपको थोड़ा मैं एक चीज एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्मल देखो, आपको एक चीज, आपको यहां पर एक डेली लॉगिन्स रिवार्ड्स देखने को मिलता होगा। अगर आप लोग को डेली यहां पर आना है, जैसे मान लो कि अभी मैं गेम को ओपन किया हूं, गेम को ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, जब अगर आप सब इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आपको डेली लोड आउट का ही जितना भी रैंडम रिवार्ड्स रहेगा आपको यहां पर से मिलेगा, डेली मिलेगा। यहां पर से क्या करना है, कंटिन्यू करके आपको क्लेम कर लेना है। ये आपने क्लेम कर लिया, अब आपको इसी प्रकार का कल से आप लोग फिर से क्लेम कर पाओगे जब तक ये इवेंट रहेगा। अब देखो, अब ये क्या चीज है, ये है मेरे भाई, जैसे मतलब अभी देखो ये मतलब 3 डेज 17 आवर इतना मतलब टाइम हो रहा है, तो ये आप जिस हिसाब से मेरा वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से टाइम कम होते जाएगा। जब ये इतना कम टाइम हो जाएगा ना, तो यहां पर आपको एक लक जैसा ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, जब इसे आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको इसी में से कुछ मतलब रिवार्ड्स मिलेगा, कुछ मतलब एक तरह से प्रीमियम अच्छा रिवार्ड्स मिलेगा स्पिन करने के लिए 3-3 दिन में, ठीक है। देखो अब मैं आपको ये चीज समझ गए, ऑटोमेटिक आपको यहां पर से मतलब जब भी आप यहां पर से टाइम खत्म होगा यहां पर क्लिक करोगे, तो आपको ड्रो लक ड्रो जैसा कुछ स्पिन मिलेगा, इसमें ये सब भी रह सकता है, ये कुछ अलग ही रिवार्ड्स रह सकता है। तो नॉर्मली आप लोग ये समझ गए टाइमिंग का ही लिखा, भाई ये क्या चीज है, चलो मैं ये चीज समझा देता हूं। एक्चुअल में ये क्या है, देखो नंबर ऑफ मैच मतलब आप लोग को यहां पर मैच का आप लोग को गेम प्ले करना है। जैसे मान लो कि अभी मैंने क्या किया, लॉन वुल्फ गेम प्ले किया, तो लॉन वुल्फ अगर मैं गेम प्ले करूंगा तो यहां पर ऐड होगा कि कितना मैंने लॉन वुल्फ गेम प्ले किया, क्या 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 किया, ये जितना कैलकुलेट होगा ना तो यहां पर लिखाएगा। अब आप सब यहां पर नॉर्मली समझो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर मैं इवेंट्स पर क्लिक करता हूं, तो गरीना ने एक चीज यहां पर फीडबैक दिया, जैसे आप लोग यहां पर देखो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं ना, यहां पर क्वेश्चन मार्क्स पर, तो अब देखो यहां पर हम थोड़े से आपको अच्छे समझा पाऊंगा। जैसे आप देखो, आप इस अगर आप लोग यहां पर से मतलब अगर आप लोग यहां पॉइंट को कलेक्ट करना चाहते हो, यहां देखो गैना ने लिखा है कि 3 पॉइंट आपको मिलेगा, अगर आप लोग कोई भी यहां पर ईच एक एनिमी को यहां पर मारते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, गेम प्ले करते हो 3 पॉइंट मिलेगा, फ्रेंड के साथ गेम प्ले करते हो आपको फिर से मतलब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 5 पॉइंट मिलेगा, अगर आप लोग टॉप बीआर के 5 आते हो तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। मतलब नॉर्मली अगर आप लोग गेम प्ले करते हो, सीएस खेलो या बीआर खेलो, ठीक है,
अगर आप लोग गेम प्ले करोगे तो आपको उससे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज और लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट जो अर्न होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप लोग क्लेम कर पाओगे, आपका जो रिवार्ड्स होता है आप नॉर्मली आप उसको क्या कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे। जैसे आपने पॉइंट कलेक्ट कर लिया, बहुत सारा पॉइंट को कलेक्ट कर लिया है, तो पॉइंट को जो कलेक्ट करोगे ना, आपका ये मिशंस होगा एंड ऑटोमेटिक आप इसे क्लेम करते जाओगे। ये चीज समझ गए। उसके बाद आगे देखो मेरे भाई, जब मैं इस क्वेश्चन मार्क्स पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे आपके खुद समझ सकते हो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप में लिखा हुआ है लॉग इन इन डेली एंड क्लेम रैंडम मतलब लोड आउट। मैंने क्या बताया कि आपको डेली एक लोड आउट में यहाँ पर से क्लेम करने को आएगा, डेली आप यहाँ पर से क्लेम कर लोगे क्लिक करके, मैंने आपको बताया। तो अब चौथा स्टेप में यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप सबको डेली जो लिमिट होता है ना, आपको 40 से पॉइंट मिलेगा। मतलब अगर आज आप दिन भर गेम प्ले करते हो, बीआर करते हो, ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ पर, बीआर करते हो, सीएस खेलते हो, तो गेम प्ले करते हो, गेम प्ले के बाद जो आपको पॉइंट मिलेगा ना, मैक्सिमम आप लोग को एक दिन में 40 ही पॉइंट मिलेगा 17 अक्टूबर तक। मतलब आज से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको एक एक हर दिन आपको 40-40 पॉइंट मिलेगा। जिस हिसाब से एक गेम प्ले करोगे 4 पॉइंट मिलेगा, अगर टॉप 5 के अंदर जाओगे 5 पॉइंट मिलेगा, इस प्रकार का आपको यहां पर से पॉइंट मिलेगा। लेकिन आप अगर यहां पर लिमिट यहां पर मतलब बढ़ाया गया, अगर आप लोग 28 अक्टूबर को स्पेशल गेम प्ले करते हो तो आपको 99 मतलब टोकन मिलेगा। मतलब समझो एक तरह से उस दिन, मतलब समझो एक तरह से बहुत एक दिन में ले पाओगे, ठीक है, एक तरह से समझ लो बहुत पॉइंट ले पाओगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मतलब नॉर्मली ये मिशन आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप लोग डेली अगर आप लोग 40-40 ही कलेक्ट कर लोगे तो मेरे भाई 10 दिन तो मेरे भाई कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। लेकिन आपको जरूरत कितना है यहाँ पर, 520, 10 दिन ये इवेंट होने वाला है, 20 दिन होने वाला है, 12 दिन में मतलब 13 दिन में भाई यहाँ पर 520 टोकन हो जाएगा। मतलब 13 दिन में ये नॉर्मली आप लोग 13 दिन लगातार खेलो, एंड आपको एक दिन तो 28 तारीख को समझो एक तरह से अनलिमिटेड जैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली 999 टोकन मिलेगा, ठीक है। ग्रीना ने यहाँ पर खुद लिखा है 28 अक्टूबर को, ये बात समझ गए कि डेली आपको मतलब गेम समझो 5-10 गेम खेलोगे ना तो बीआर डेली मतलब नॉर्मली मिशंस हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है, बीआर सीएस। अब सबसे बड़ी बात है यहां पर देखो पांच नंबर में क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेट द सर्वर वाइड लक ड्रॉ जो फ्री प्रीमियम आइटम। मतलब मैंने आपको क्या समझाया, जो नीचे होता है ना लक ड्रॉ, यही चीज मैंने जो आपको बताया, ये वाला जो ये क्या होगा कि मतलब कुछ दिन में आपको इससे प्रीमियम रिवार्ड्स मिलेगा जब यहां पर लकी करने के लिए स्पिन आएगा। तो यही एक हल्का फुल्का जो मिशन था जो मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया। अब ये काउंट कैसे होगा, जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ठीक है, टुडे में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो गैना ने खुद लिखा है कि पॉइंट कैसे अर्न होगा, मैच प्ले करना है बीआर सीएस। देखो यहां पर रुको, ये बंद हो जा रहा है, तो नॉर्मली समझो बीआर सीएस लॉन वुल्फ गेम प्ले करना है तो इससे आपको 3 मतलब पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एंड आप रुको यहां पर आप लोग खुद रीड कर सकते हो, अगर आप लोग फ्रेंड के साथ गेम प्ले करोगे तो आप लोग को मतलब 2 मतलब किल का यहां पर पॉइंट मिलेगा, ठीक है, फ्रेंड के साथ गेम प्ले करना पड़ेगा लॉन वुल्फ। और सीएस अगर आप लोग बीआर खेलते हो टॉप 5 के अंदर आते हो तो आपको यहां पर कितना पॉइंट मिलने वाला है, यहां पर 5 पॉइंट मिलने वाला है। तो यहां पर मैच भी आप लोग का यहां पर काउंट होगा कितना कितना आपने मैच गेम प्ले किया है, ठीक है। तो अब नॉर्मली समझो जैसे मान लो कि मैंने यहां पर बीआर गेम प्ले किया, ठीक है, बीआर गेम के अंदर क्या करना है आपको 5 टॉप के अंदर आना है तो आपको यहां पर 5 पॉइंट मिल जाएगा। तो नॉर्मली खेल सकते हो भाई, आप लोग सीएस भी खेल सकते हो, ठीक है, लॉन वुल्फ भी खेल सकते हो। सीएस में लॉन वुल्फ में भाई बहुत कम चांस होता है, मतलब देखो अगर ज्यादा पॉइंट लेना है तो सीएस एंड आपको ये खेलना पड़ेगा। आप लोग नॉर्मली ये कर पाओगे गेम के माध्यम से कर पाओगे, जितनी सारी भी प्रोसेस था मैंने आप सबको बताया। अगर जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी डाउट होता है, थोड़ा मैं मिशंस कंप्लीट करके एक और वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर, मतलब थोड़ा कंप्लीट करके 50-100 पॉइंट लगभग कंप्लीट करके। अभी फिलहाल के लिए जो चीज इवेंट ने कहा है फुल आपको जानकारी देने की कोशिश किया एक ही वीडियो में। आई होप कि अब आप सबको लाइट्स एंड डार्क इवेंट समझ में आ गया होगा। और आने वाला समय में जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखो, जैसे अभी क्या होगा कैलेंडर में बताता हूं, जैसे आपको ये दिवाली स्क्वाड कप के बारे में मैंने वीडियोज को बनाया, ठीक है, आपको मैंने ये डार्क लाइट एंड डार्क के बारे में डिटेल के साथ समझा दिया। आने वाला समय में ये लकी ड्रॉ आप सबको मिलने वाला है, यही लकी ड्रॉ 3-3 दिन में स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई लकी ड्रॉ में आपको 4 रिवार्ड देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये जो लकी ड्रॉ है ना, जैसे आप लोग ये देख पा रहे हो, 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 यही चीज हमको लगता है लकी ड्रॉ देगा। आप लोग को क्या लगता है गाइस, आप लोग बताओ, ठीक है। ये जो 3 दिन के बाद जो चालू होगा लकी ड्रॉ, ठीक है, 19 तारीख को, ठीक है, तो यही चीज होने वाला है, ठीक है। फिर लकी ड्रॉ के अगर आप लोग स्पिन करोगे, लक करोगे, तो अगर आपका किस्मत अच्छा होगा ना मेरे भाई, किस्मत अच्छा होगा ना, तो मुझे लगता है ये जो कैलेंडर में जो दिया गया है इसी में से आपको एक रिवार्ड्स मिलेगा। फिलहाल के लिए ये मैं उस दिन स्पिन करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो दिवाली लकी ड्रॉ लिखा हुआ है ना, तो सेम वही चीज है मेरे भाई, टेंशन अभी मेरे को समझ में आया ना, आप सब भी फोकस करो, वही सब नहीं, यही चीज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर ये चीज नहीं मिलता तो आपको अलग कोई रिवार्ड्स मिलेगा। तो अब देखते हैं किसका लक किस्मत साथ देता है, उस दिन हम एक और वीडियो बनाएंगे और साथ में आपको ग्लोबल फ्री मिलेगा। ये सब वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना कि इस चैनल पर आपको 100% रियल वीडियोस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग और जानकारी ले चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर जो भी
भी बैनर आता है, जो भी इवेंट आता है, जो भी रेडियम कोड आता है, वहां पर मैं पोस्ट करने का कोशिश करता हूँ। साथ में अगर आप लोग इबो टोकन सस्ते में लेना चाहते हो, वहां पर अगर आप लोग ऊपर गिविंग गेमर क्लिक करोगे, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, प्राइस दिया गया है, इस पर मैं वीडियो भी मैक्स करके बताया हूँ, मतलब ठीक है, फॉलो करके आप लोग जानकारी ले सकते हो। साथ में कमेंट डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देखने को मिलेगा, जो भी डाउट है कमेंट जरूर करें, और 100% रियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करें। मिलता हूँ इसी के मजेदार वीडियोस में, टाइट टाइट, बाय बाय।